हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि न्यूक्लियन कोटा मोबाइल ऐप में सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और न्यूक्लियन कोटा टाइप करना है। हमारी ऐप आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंस्टॉल बटन पर। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करने के बाद विद इन 5-10 सेकेंड ये ऐप आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा यहाँ पर ओपन बटन। तो इस समय ये ऐप जो है डाउनलोड हो गई है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है रजिस्टर करने के 3 माध्यम है। या तो आप ईमेल पासवर्ड चूज़ करके रजिस्टर कर सकते हैं, या फेसबुक या गूगल के अकाउंट के जीमेल के अकाउंट की सहायता से कर सकते हैं। सपोज़ मैं चुनता हूँ कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। तो गूगल के जो मेरे अकाउंट है उससे मुझे लॉगिन करना है। तो सपोज़ कीजिए मैंने एक अकाउंट चूज़ किया, यहाँ से जो है मैं इस ऐप पर इस अकाउंट की सहायता से रजिस्टर हो चुका हूँ। होम पेज पे मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 3 तरह के एग्ज़ाम, IIT JEE, नीट और क्लास 10th। अगर मान लीजिए आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आपको IIT JEE बटन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास 3 कोर्सेज आएंगे, IIT JEE क्लास 11th, 12th और 11+12th। यदि आप केवल क्लास 11th के कोर्स में जाना चाहते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आपको सबसे ऊपर सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा। इस सब्सक्राइब के बटन पे दिखने के बाद आपको यहाँ पे 3 तरह के प्लान दिखेंगे, मंथली, 6 मंथली और ईयरली, ठीक है। सपोज़ कीजिए आप ईयरली प्लान चुनते हैं, आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब नाउ पे। क्लिक करने के बाद ये कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे पे पर। पे बटन पर क्लिक करने के बाद यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द CC Avenue पेमेंट गेटवे, जहाँ पे आपको चेकआउट पेज पर अपनी सारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन लिखनी है, नाम, एड्रेस, जिप कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। उसके बाद आपको पेमेंट का जो मोड है वो चूज़ करना है, जैसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। उसके अलावा आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट, UPI, EMI ऑप्शन, पे लेटर, इन सब से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपका क्रेडिट कार्ड EMI अलाउ करता है तो आप EMI ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें अगर आप सेलेक्ट करें तो ये सब बैंक यहाँ दिखाई दे रही है, ICICI, एक्सिस बैंक, तो ये सब आपको जो है इस ऐप पर EMI का ऑप्शन दे सकती है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट करने के बाद जो है वापस आप होम पेज पे आ जाएंगे। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है तो ये कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे इस कोर्स में देखें आप कि इस कोर्स में सबसे पहले आपको दिखाई देगा फैकल्टी लिस्ट। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप जो भी फैकल्टी इस कोर्स में वो उन सबको देख सकते हैं। इसके बाद आपको अगला स्टडी मटेरियल यहाँ दिखेगा। सपोज़ आप मैथमेटिक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स की सारी PDF यहाँ दिखाई देगी, जहाँ पे क्लिक करके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। PDF डाउनलोड करने के बाद PDF में मैं आपको बता दूं कि आपको हर टॉपिक में DPP दिखाई देगी, थ्योरी दिखाई देगी और एक्सरसाइज दिखाई देगी। तो वो तीनों आप अपने लोकल फ़ोन पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो है प्लेलिस्ट दिखाई देगी। व्यू ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ तो सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट यहाँ पे मुझे दिखाई देगी, और जो मैं यहाँ सॉर्टिंग ऑप्शन भी कर सकता हूँ कि जो सब्जेक्ट वाइज, पॉपुलर प्लेलिस्ट वाइज या फैकल्टी वाइज मैं इनको सॉर्ट कर सकता हूँ। सपोज़ कीजिए कि हम किसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को चुनते हैं तो उसमें जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब हमें दिखाई देने लग जाएंगे। अब ये वीडियो जो है वैसे लॉक्ड वीडियो है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है 10 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो लॉक्ड वीडियो होते हैं, लेकिन जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो ये सारे अनलॉक हो जाएंगे और आप जो है स्मूथली सारे वीडियो देख पाएंगे। ये था प्लेलिस्ट में वीडियो देखने का तरीका। जब आप होम पेज पे आते हैं कोर्स के होम पेज पे, तो आपको एक बटन दिखाई देगा लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में जो अपकमिंग लाइव क्लासेस है उनकी लिस्ट दिखाई देगी, और जिस कोर्स में आप क्लिक करेंगे, जैसे सपोज़ कीजिए मैं पहले वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो ये मोल कंसेप्ट की डिस्कशन क्लास है जो आने वाली है 23 आवर्स में, 45 मिनट्स में, और इसमें DPP 01 और 02 का डिस्कशन होने वाला है। तो आप डेट और टाइम को नोट कर लें और इस टाइम पर ऐप में इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर लें। इसमें जो DPP के क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन होगा, आप चैट बॉक्स के थ्रू अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। ऑनलाइन आप इस सोल्यूशन को देख सकते हैं। इसके अलावा कोई थ्योरी का डाउट है तो वो भी आप यहाँ पर लाइव पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है तीसरा सेक्शन यहाँ पर है डाउट पोर्टल का। डाउट पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो डाउट पोर्टल में आप जो है डाउट पोस्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम पोर्टल में अगर आप जाएंगे तो आप टॉपिक वाइज एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट में, जो इमीडिएटली रिजल्ट आपको प्रोड्यूस हो जाएगा।
उसके अलावा आप कंप्लीट टेस्ट भी दे सकते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट भी। तो किसी भी कोर्स में मेनली चार चीज़ें हैं, प्लेलिस्ट है, लाइव क्लासेज हैं, डाउट पोर्टल है और एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये तरीका था कि कैसे एक पर्टिकुलर न्यूक्लियन कोर्स को हम सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।